नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जो स्माइल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे, एक करंट टॉपिक है और इंटरनेशनल मुद्दा है, हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित है गाइस। ठीक है, मतलब ये रहा कि ये कुछ जो मैं जो पॉइंट लेके आ रहा हूँ वो कुछ आर्टिकल्स हैं हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और अदर जो चैनल्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के न्यूज़ चैनल्स, उससे ऑथेंटिक न्यूज़ ये आ रही है सामने कि भारत जो है हमारी, आपको पता है कि हमारी जो सेना है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। गाइस, मैं स्पीक में कई सारे पॉइंट ऐसे करूंगा जो आपके करंट में भी काम आएंगे गाइस। ठीक है, भारत की जो सेना है वो तीसरी है। ठीक है, भारतीय सेना तीसरी पोजीशन पर है, पर सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, मेरा टॉपिक का नाम है हमारा करंट अफेयर का। ठीक है, हम लोग यहाँ करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो करंट अफेयर टॉपिक का नाम है यहाँ पर सी ए करंट अफेयर्स में। देखते हैं क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं आज के डेट में। तो भारतीय सेना तीसरे नंबर पर है दुनिया में, थर्ड नंबर है लार्जेस्ट, डिस्कस किया जाए तो लार्जेस्ट आर्मी है हमारे पास गाइस। ओके, लार्जेस्ट आर्मी तीसरे नंबर पर भारतीय सेना। ओके, देन भारतीय सेना में आपने एक नाम सुना है, गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। ओके, गोरखा रेजिमेंट का जो हिस्ट्री है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, कि पॉइंट क्या है, एक्चुअली क्या है। टॉपिक मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि चाइना जो है गोरखा रेजिमेंट को हायर करने जा रहा है, बशर्ते नेपाल जो है गोरखा, जो नेपाल की जो गोरखा रेजिमेंट है, ये नेपाल की है गाइस। मतलब हमको डर ये है कि अब चाइना गोरखा रेजिमेंट को हायर कर रहा है, कन्विंस कर रहा है उनको। एक्चुअली गोरखा रेजिमेंट ने क्विट कर दिया है अग्निवीर भर्ती से, जो सरकार हाल ही में एक नीति लेके आई है कि अग्निवीर के माध्यम से हम लोग भर्ती करेंगे। इस बीच में गोरखा रेजिमेंट ने क्विट कर दिया है, जो नेपाल की है गाइस, हमारी नहीं है ये नेपाल की, और इसका फायदा चाइना उठाने जा रहा है। इसी चीज को लेकर भारतीय सेना के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है गाइस, याद रखना। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये स्टोरी से हमें क्या मतलब। गाइस, ये हमारे देश का इंटरनल और एक एक्सटर्नल अफेयर्स एक मैटर्स है। हम पॉइंट को एक वर्ल्ड फोकस के तहत रिप्रेजेंट करते हैं ताकि यंगस्टर की सोच डेवलप हो, मजबूत हो। हमारा मकसद यही रहता है कि आपकी सोच मजबूत रहेगी तो आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाएंगे। हम एक एज ए स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, हम वन लाइनर की तरफ चले जाते हैं, हम स्टोरी नहीं देख पाते। इसलिए हम लोग स्टोरी देखेंगे तो हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन पुटअप होने लगेंगे, हम टीचर प्रोफेसर से डिस्कस भी कर सकेंगे। तो वही मुद्दा है कि चाइना हायर कर रहा है गोरखा रेजिमेंट में, बता दी कॉज क्या था। कॉज बहुत बड़ा कॉज था जिसमें चाइना जो है इनको हायर कर रहा है अग्निवीर। हम इनको अग्निवीर के माध्यम से लेना चाहते हैं लेकिन इन्होंने क्विट कर दिया कि हम अग्निवीर में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था कि हम परमानेंट आर्मी में रहते थे, भारतीय सेना के अंडर में थे हम लोग, गोरखा भारतीय सेना के अंडर में थे, परमानेंट थे गाइस। ठीक है, लगभग देखा जाए 35,000 जो सेना हुआ करती थी वो गोरखा की रहती थी, मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक सेना हम लोग हायर करते थे, याद रखना आप लोग, दुनिया की सबसे खतरनाक गाइस, याद रखना, सबसे खतरनाक, मोस्ट डेंजरस आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, जिसके हम सिपाही 35,000 लिया करते थे। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि नेपाल, आपको पता है नेपाल में चारों तरफ क्या है, हिल्स हैं। ठीक है, और नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, कई सारे करंट बनते रहेंगे और जीके के पॉइंट ही बनते रहेंगे आपके। ठीक है, नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ, नेवर स्लेव कैटेगरी में कभी भी गुलामी की जंजीर में नहीं रह पाया। क्यों, क्योंकि हिल्स है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ सोर्सेस क्या मिलेंगे, ना एग्रीकल्चर हस्बेंड्री है, ना एनिमल हस्बेंड्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, तो इस वजह से वो कभी गुलाम नहीं रह पाया। लेकिन नेपाल की जो एक गोरखा रेजिमेंट है वो हिल्स पर चढ़ने में क्या है, वेल ट्रेंड है। जो गोरखा रेजिमेंट है दुनिया की सबसे खतरनाक कहा गया है, वो क्या है, हिल्स पर प्रैक्टिस करती है, हिल्स पर ट्रेनिंग करती है, तो वेल डेवलप एक और बढ़िया मोस्ट डेंजरस कैटेगरी में रखा गया है गोरखा रेजिमेंट को। और ये गोरखा रेजिमेंट को हमने भारतीय सेना में शामिल किया, जिसमें लगभग 35,000 जो हमारे आर्मी हुआ करते गोरखा रेजिमेंट से आया करते थे, 35,000 मतलब आर्मी भारतीय सेना में
रहा करती थी गोरखा रेजिमेंट की। लेकिन जब से क्या आया है गाइस, जब से आपकी अग्निवीर आया है, मैं बता देता हूँ सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जब से अग्निवीर आया है, अग्निवीर ने सारी चीजें खत्म कर दी है। गोरखा रेजिमेंट ने हमारे इंडिया से भर्ती होने में क्या कर दिया है, मना कर दिया कि हम इंडिया में भर्ती नहीं होंगे, हम 4 साल के लिए भर्ती नहीं होंगे। अगर हमें भर्ती करना है तो पहले जैसा ही हमारे साथ कीजिए, परमानेंट वेतन और परमानेंट 15 से 20 साल तक का जो भी हमारा एक टेन्योर हुआ करता था वही कीजिए, अदरवाइज हम आपके साथ नहीं कोई सेवा देने वाले। याद रखना। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है गाइस कि गोरखा रेजिमेंट इस समय किस देश के साथ सपोर्ट कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि गोरखा रेजिमेंट है गाइस वो ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन जो कंट्री था ठीक है भी है, जो मतलब ब्रिटेन जो है हमारा एक तरह से हम ब्रिटेन के अधीन थे, सबॉर्डिनेट थे, ब्रिटिश भारत था पहले ठीक है, तब से ये गोरखा रेजिमेंट यूज करते आ रहे हैं ब्रिटेन जो है गोरखा रेजिमेंट का। ऐसा कैसे उत्पत्ति होगी इसकी गाइस मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ गोरखा रेजिमेंट क्यों आ गया। याद रखना, 8th सेंचुरी में गोरखनाथ हिंदू संत हुआ करते थे गाइस, ओके, नाम भी सुना है आपने, हुआ करते थे। तो गोरखनाथ जी ने ऐसे लोग जो देश की सेवा के लिए अपनी जान में निछावर करते थे नेपाल में, तो उन्होंने गोरखा बोल दिया। क्या बोला? एक गोरखा। तो गोरखा एक वर्ड क्रिएट किया गुरु गोरखनाथ के द्वारा, याद रखना, गोरखा वर्ड क्रिएट किया है गुरु गोरखनाथ के द्वारा। अब ये तो हमारा एक हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। अब ज्योग्राफिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ज्योग्राफिकल से व्यू देखें तो गोरखा वहां के हिल्स हैं, गोरखा पहाड़ियां हैं। कहां पर है गाइस? नेपाल में। आपको पता है जितने भी माउंटेन है वो सब कहां पर है? नेपाल में है। मैक्सिमम माउंटेन नेपाल में है, हिल्स में नेपाल में, अन्नागिरी, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट ठीक है, जितने भी आपके वो सब कहां है? नेपाल में है। तो नेपाल में जो है गोरखा हिल से गोरखा के नाम पर क्या रखा गया, ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से गोरखा रेजिमेंट रखा गया। लेकिन गोरखनाथ ने जो गोरखा नाम दिया गया वो 8th सेंचुरी में दिया था, 8वीं शताब्दी में। तो याद रखना, तो गोरखनाथ रेजिमेंट ऐसे बना, इसका ब्रीफ। अब आप कहेंगे सर इसका संबंध कैसे है गाइस? बिल्कुल मैं बताऊंगा, गोरखा ब्रिटेन का, क्योंकि गोरखा ब्रिटेन का एक वार हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन ने नेपाल में भी युद्ध किए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पॉइंट बता दूँ, ब्रिटेन ने क्या किया, नेपाल पर भी चढ़ाई की थी, लेकिन गुलाम नहीं बनाया, वहां पर किस पर चढ़ाई की थी, गोरखा वालों पर ठीक है गाइस। इसलिए इसको बोला गया था, हमने बोला नेपाल आंग्ल युद्ध, ठीक है ना, नेपाल आंग्ल युद्ध हुआ था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नेपाल एंग्लो वार हुआ था गाइस, और ये वार हुआ था 1815 में, ओके 1815 में वार हुआ था। लेकिन इस वार में ब्रिटेन जीत गया था, ठीक है, ब्रिटेन की क्या हुई, जीत हो जाती है ठीक है। समझाने को मैं वैसे भी समझा सकता हूँ स्पीक के थ्रू, कोई करंट का टॉपिक है, थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके स्टैटिक या करंट के क्वेश्चन बन जाएंगे, ओके। तो वो मेरा एक उद्देश्य यही रहता है गाइस, ठीक है। तो ब्रिटेन वेल हो गया, मतलब विनर हो गया, और नेपाल इसमें क्या हो गया, हार गया। और इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है गाइस, ठीक है, उस ट्रीटी का नाम होता है संगोली की संधि, संगोली ट्रीटी होती है, ओके गाइस, संगोली ट्रीटी होती है 1816 में, संगोली ट्रीटी होती है। और उस संगोली ट्रीटी में ब्रिटेन हायर कर लेता है किसको, गोरखा को, कि गोरखा आज से हमारे लिए काम करेगी, हम गोरखा को क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। तो पहले ऐसा देश, याद रखना, पहला ऐसा देश जो गोरखा रेजिमेंट बनाई तो वो है ब्रिटेन ने, ओके। देन फिर हमने इसको यूज लिया, ठीक है, 1947 से अब तक हमने इसका प्रयोग किया 2022 तक गोरखा रेजिमेंट। और ये हमसे क्यों कुट करके, मैंने बता दें, अग्निवीर स्कीम्स इनको अच्छी नहीं लगी गोरखा रेजिमेंट वालों को इसलिए उन्होंने अग्निवीर में आने से मना कर दिया। अब इसका फायदा कौन, हमारा पड़ोसी देश चाइना यहाँ पर उठा रहा है गाइस, चाइना इसका फायदा उठाने जा रहा है। ये तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया आपको, अब चाइना इसका फायदा उठाने जा रहा है कि हम आपको सब कुछ देंगे जो इंडिया और ब्रिटेन नहीं दे पा रहा है, हम आपको हर चीज प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए किसी प्रकार का स्ट्रेस आप ना लें। तो गोरखा
और चाइना ऐसा क्यों रिलेशन कायम कर रहा है गाइस, क्योंकि गोरखा जो है पूरी तरह से किस पे चढ़ाई करती है, हिल्स, मतलब इनको पूरी तरह से ट्रेनिंग मिली हुई है, पूरी तरह से वेल ट्रेंड है हिल्स पे चढ़ने के लिए। और चाइना जो है मैक्सिमम जो है जिसके जो एरिया है उसका आधा एरिया किससे घिरा हुआ है गाइस, पूरी तरह से हिल से घिरा हुआ और आधे बचा हुआ है। ये पूरा एरिया क्या है आपका, हिल से घिरा हुआ है। तो और ये एरिया रहने लायक है इनका, पूर्वी चाइना ठीक है लेकिन जो पश्चिमी चाइना है उसमें क्या हिल्स हैं। तो वो ये चाहता है कि अगर हम गोरखा को हायर करेंगे कुछ लालच देकर, तो हम पूरी तरह से इनको इंडिया के अगेंस्ट कर देंगे, क्योंकि इंडिया में अब तो आपको पता है कौन कौन से वार चल रहा है, क्योंकि इंडिया में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो क्रिएट हो रही है यहाँ पर सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश को लेकर, दो बॉर्डर पर चाइना ने जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है गाइस, ठीक है। चाइना ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है क्योंकि चाइना की जो बाउंड्री है, एक तो ये एलएसी है गाइस, आप जानते हैं एलएसी है, और दूसरी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है चाइना की मैकमोहन रेखा से लगी हुई है, मतलब चाइना का जो कंट्रोवर्सी इंडिया के साथ चल रही है एलएसी, और जो इंटरनेशनल लाइन है मैकमोहन वहां के चाइनीज थे उन्हीं के नाम पर रखा गया मैकमोहन, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्री वो कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये दो बिंदु हैं जो इंडिया को टच कर रहे हैं, और एलएसी तो आपको पता है पहले चाइना ने कब्जा कर रहा है, ऑक्साई चीन एक प्लेस है यहाँ पर, तो उस पर भी विवाद चल रहा है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विवाद चल रहा है। इसी के खातिर वो गोरखा रेजिमेंट को ताकतवर, मतलब एक ताकतवर सेना को अपने हिस्से में लेना चाहता है, और इंडिया की अंगेस्ट ये यहीं पर खड़ा कर देगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर। और आपको पता है गोरखा रेजिमेंट एक तरह से पूरा ये कहते हैं कि मुंह में छुरी दबा लेते हैं ऐसे करके, और पूरी तरह से टाइगर की तरह और ब्लैक कमांडो की तरह, और पीछे बांध कर, मतलब एक तरह से एक स्टाइलिश वे में चलते हैं, ताकि अब जो सेना जो पूरी तरह से पहाड़ी पर चढ़ती हो, वो भी ऐसी स्पीड से आप देखिए, और दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी गोरखा रेजिमेंट जो नेपाल की है, मैंने यहाँ थोड़ा व्यू बताया क्यों नहीं जाना चाहती, अग्निवीर लॉन्च की है, और अग्निवीर से आपको पता है गोरखा रेजिमेंट में एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिपिन रावत साहब का नाम आपने सुना है, बिपिन रावत साहब फर्स्ट सीडीएस थे हमारे देश के, फर्स्ट सीडीएस, ये सब क्वेश्चन आते हैं गाइस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ फर्स्ट सीडीएस रहे थे बिपिन रावत, ये भी हमारे गोरखा से थे याद रखना, ये भी हमारे कहाँ से थे, गोरखा रेजिमेंट से थे याद रखना। अब लगभग गोरखा रेजिमेंट भारत में कितने होते, 35,000 लगभग, कितना खर्चा होता था इन पर, 4200 करोड़ रुपये खर्चा होता था, 4200 करोड़ रुपये हम लोग खर्च करते थे, भारत सरकार हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी गोरखा पर, लेकिन अग्निवीर आने से गोरखा हमसे नाराज है, क्विट कर दी है, और उधर गोरखा को हायर करने की कोशिश कर रहा है चाइना, और वो हमारे अगेंस्ट गोरखा को खड़ा कर सकता है सिक्किम और अरुणाचल विवाद को लेकर। बहुत बड़े पॉइंट यह बन सकते हैं, याद रखना आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने निशान लगा दिए हैं, क्योंकि ये सब क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए। गोरखा ने कब शामिल किया, 1947 से 2022 तक, याद रखना, क्योंकि 22 में ही आपकी अग्निवीर आती है, जिसका विरोध मैक्सिमम लोगों ने कहा कि किया था, लगभग 12.25 लाख रुपये लगभग मिलते हैं यहाँ पर, कितने लाख रुपये मिलते हैं रिटायरमेंट पर, सर्विस कितनी अग्निवीर की 4 साल की है, 4 ईयर्स की है, तो 4 ईयर्स में कितने मिलेंगे रिटायरमेंट पर, 11.70 लाख रुपये तकरीबन, और 4 साल के बाद तो जो अग्निवीर होंगे 100% में से वो 25% उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, बाकी 75% को रिटायर कर देगी सरकार। ये थोड़ी सी स्कीम है जो मैंने बताई है 2022 में लॉन्च हुई थी, इसी स्कीम को देखते हुए गोरखा रेजिमेंट ने नाराजगी जताई है भारत सरकार से कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट, क्वेश्चन बन सकता है गोरखा रेजिमेंट ने किन दो देशों के साथ हाथ मिला रखा ऑलरेडी, तो आप बता सकते हैं ब्रिटेन और इंडिया, याद रखना, क्योंकि इंडिया से संबंध जो खराब हुए हैं अग्निवीर से हुए हैं, अब वो किस तरफ मूवमेंट करने जा रहा है चाइना की तरफ। अगर गाइस चाइना की तरफ चला गया तो बहुत इशू हो सकता है, क्योंकि चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी थी 30-35 साल पहले उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी चाइना ने, और आज वो पॉलिसी उसने बिल्कुल एंड कर दी है, ये पॉलिसी खत्म कर देंगे। अगर वन चाइल्ड पॉलिसी होती है तो हम तो काफ़ी मतलब समस्या आ सकती है चाइना के अंदर। चाइना काफ़ी स्किल्ड और काफ़ी एक डिप्लोमेटिक माइंडेड कंट्री है, जो कि किस तरह से वो हायर करता है कैसे क्या करता है गोरखा वालों को कुछ नहीं पता है, गोरखा वालों को लड़ाई आती है, बस दिमाग चलाना चाइना को आता है। चाइना हायर करेगा किस तरह से करेगा, क्या देगा इनको, कौन से इंजेक्शन इंजेक्ट करेगा, कौन सी मेडिसिन देगा, कैसे क्या करेगा वो चाइना जानता है।
हम लोगों को तो पता नहीं हमारी खुफिया ब्यूरो क्या कर रही है, लेकिन इनको ये हायर करके लेगा। हायर अगर हो गई तो हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब आप समझ सकते हो रेड एड्रेस क्या हो सकता है। लेकिन हम भी तैयार रहेंगे, हम कोशिश करेंगे गोरखा को मनाने की, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट एक टॉप क्लास की रेजिमेंट है, जिसको अमेरिका भी चाहता है कि हमारे कैटेगरी में आ जाए, हमारे हम भी इनको हायर कर लें, जो ब्रिटेन हायर कर सकता है, फ्रांस भी हायर करने की कोशिश कर रहा है, चाइना है, चाइना ऑलरेडी ना समझो 70% इसका पूरी तरह से कब्जा हो सकता है गोरखा को लेकर। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन हमारी भारत सरकार ने गोरखा को लिए बहुत सारा काम किया है। मैं भी जा सकती है ना भी जा सकती है, मतलब कह भी नहीं सकते, क्योंकि इनका इंटरनल मैटर नेपाल सरकार जाने क्या होगा, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा कभी कभी विवाद भी हो जाता है लिपुलेख पासेस के बीच में। कुछ जो बाउंड्री हमारी नेपाल और उत्तराखंड के बीच में लगी हुई है, तो उस पर भी कुछ इंटरनेशनल डिस्प्यूट चलता है, जिसमें चाइना इंटरफेयर करता है गाइस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मैंने आपको यहाँ बता दी हैं एक ब्रीफ, एक छोटा सा, एक मैंने वर्ल्ड फोकस और वर्ल्ड को फोकस किया है, और चाइना और यहाँ पर ब्रिटेन, देन इंडिया एंड गोरखा रेजिमेंट। गोरखा का मैंने वो बता दिया, इतिहास क्या था, ज्योग्राफी बता दी, ज्योग्राफी के रूप में क्या रहा था, चाइना क्यों हायर करना चाहता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आज भी हमारे चाइना के साथ रिलेशंस ठीक नहीं है, समस्या ज़्यादा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी फोर्स कोशिश करेगी, और हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि गोरखा को हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कन्विंस करेंगे तो अग्निवीर की स्कीम खत्म करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे है, तो कोशिश जारी है, और देखते हैं गाइस क्या होगा आगे। और बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पॉइंट यहाँ से निकल रहे हैं आपके, देख लीजिएगा, और आगे हम लोग छोटे से वीडियो के माध्यम से और कोई चीज़ लेके आएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग बस सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे भारत सरकार को करना पड़ेगा। गोरखा को ऐसे हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत साल से है हमारे साथ, आप देख लीजिएगा, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हमारी रक्षा कर रही है, और बाकी जो सेना है वो भी हमारी कॉपरेशन में लगी हुई है, लेकिन हम चाइना के साथ ये डील नहीं होने देंगे गोरखा के गाइस। हम कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, कोई रास्ता भारत सरकार निकालेगी इस बीच पर, ठीक है, ताकि चाइना को एक मौका और ना मिले, क्योंकि चाइना हमारी यूएनएससी में भी इंटरफेयर कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि वहां पर हमें परमानेंट मेंबर नहीं बनने दे रहा है, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है गाइस, ठीक है ना। 5 कंट्री के पास वीटो पावर है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस, तो चारों ने साइन कर दिया, लेकिन चाइना ने हमें अभी तक साइन करके नहीं दिया है, क्योंकि हमारा उसके साथ ज्यादा से ज्यादा विवाद है सीमाओं को लेकर गाइस। अब देखते हैं हमारी होम मिनिस्ट्री सीमाओं को लेकर क्या काम करेगी, और भारत सरकार, विदेश मंत्रालय क्या अपना रुख अपनाते हैं। बाकी जो भी न्यूज होगी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।